बसमिल मेरा नाम मुनीफ़ फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया हसबे वादा वो जैसे मैंने कहा था पार्ट वन आपके सामने रखा शेख रशीद साहब के इंटरव्यू की जो कहानी थी जब तक मैं उनसे मिला और अंदर इंटरव्यू से पहले पहले जो कुछ हुआ वो आपके सामने मैंने रखा अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आगे मज़ीद आपको बतानी है आपका फ़ीडबैक भी मिला आप सबका बहुत शुक्रिया अब सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहाँ वो मुनकता हुआ था कि शेख रशीद साहब से गुफ्तु जारी थी और जहाँ से हम जारी बात है शेख रशीद साहब का जो जहनी कैफियत थी वो कुछ हद तक मैं आपको बता पाया वहाँ पर क्या था शेख राशिद शफीक साहब भी मौजूद थे मैंने आपको बताया कि दाएँ साइड पर मेरे शेख साहब बैठे हुए थे दाएँ साइड पर शेख राशिद शफीक साहब बैठे हुए थे और गुफ्तू हो रही थी मामल चल रहे थे शेख साहब मैंने बताया आपको कि जहनी उनकी कैफियत ठीक नहीं थी कैफियत ठीक मतलब यह कि वो दबाव में थे बाकी तो वो नॉर्मल गुफ्तु कर रहे थे उन्होंने खाना खाया बाकायदा तौर तो पर वो इशू नहीं है उन्होंने मैंने बताया था खाना उन्होंने जो मंगाया अब जब एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट है वो ये है कि शेख साहब की जो पर्सनैलिटी है वैसे वो जैसे मैंने आपको कहा ना कि नॉर्मल आप शेख रशीद साहब का इंटरव्यू लेने जाए ना तो अगर खाने का वक्त है वो खाना खा रहे हैं रोटी खाएंगे वो गप्पे मारेंगे ये अच्छा फ़लान ये वो खुद भी वो खाने के शौकीन है लेकिन शेख रशीद खुली डुली उनकी है क्या चल चलो जी हो गया चलें जी बैठें जी और फटाफट जी रिकॉर्डिंग शुरू करें ये करें वो करें यहाँ शेख रशीद साहब ने मुझे लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए एक तो मैंने बताया कि उन्होंने कहा जी मुझे दलील नहीं करना मुझे दलील नहीं करना ठीक है पहले मुझे थोड़ा सा लगा मैंने कहा पता नहीं मुझे से वो होता है वो हैं प्रेशर में लेकिन फिर जब वो जरा स्पेसिफिक्स पे बात होने लग पड़ी उन्होंने कहा जी आपने मुझसे जो ये इमरान खान के देखिए मैं पार्टी का हिस्सा नहीं था अब इमरान खान ने तोहफे लिए तो लिए अब तो जो भी उसने किया किया अब जो बुज़दार बजदार उन उनकी वो जो सारा पंजाब में चल रहा था और उनकी एहलिया के जो मामला थे वो वो जो एक सौ नब्बे मिलियन पाउंड का केस है जी तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं मैं तो पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे तो वो दिखाया ही नहीं गया वो कैबिनट में बंद लिफाफे में आया था तो मुनी साहब मेहरबानी कीजिएगा मुझे न लट इन चीज़ों पर मैंने कहा शेख साहब अब कुछ बातें तो जारी बात है वो मैं अब आपको क्या अपने सवालों के बारे में कह सकता हूँ हाँ मतलब मैं मेरे सवाल मेरे ही होंगे लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया बार बार कि नहीं मुनीब साहब ये इन बातों के ऊपर मेहरबानी कीजिएगा मैं मेरी जान फंसी हुई है मैंने अपनी जान छुड़ानी है तो मुझे ये चीज़ ना फर्दर उस चीज़ ने मेरे जो यकीन था उसे पुख्ता कर दिया कि शेख रशीद एक तकलीफ़ में मुबतला है शेख रशीद बिल्कुल भी कोई आज़ाद इंसान नहीं है उस शदीद ज़हनी दबाओ का शिकार हैं और बाय द वे जो उनके भतीजे थे शेख राशिद शफीक साहब वो भी जहनी दबाव का शिकार थे टेंशन में थे और दोनों का जो एक लफ्ज़ था एक जो बात थी वो थी कि जी सियासत ख़त्म हो रही है हमारी हमारी सियासत ख़त्म हो रही है हम बिल्कुल हमें ख़त्म हो जाएंगे हम और जी आपने मेहरबानी आप करें मेहरबानी आप करें अब ये अब ये शेख रशीद साहब के अपने कि जी वो मैम पीटते रह गए मेरे साथ और जो तरीक़े इंसाफ के कुछ जो दोस्त थे पीटते रह गए इमरान खान ने किसी की बात नहीं मानी और ये लोग जिनके नाम उन्होंने इंटरव्यू में मिली है ये इमरान खान को बढ़ावा देते रहे और इमरान खान ने ये काम कर लिया वो वैसे बड़ा ज़िद्दी आदमी है अब वो उसने आर्मी चीफ से पंगा ले लिया था तो फिर ये तो होना ही था और मैं तो पीठता रह गया मैं आपको पता है मैंने सारी उम्र मैंने फ़ौज की तर्जमानी की है और मैंने वफा की है तो मैंने कल भी बताया था उनको यही तकलीफ थी अच्छा कि जी मेरे साथ ये क्यों हो गया अब चले ये गुफ्तु वो बार बार जब कोई बंदा आपको बात करे ना और जैसे आप पास बैठे तो बात करते हुए फिर आपका हाथ पकड़ ले और फिर आपका हाथ पकड़ ले और बार बार उससे महसूस हो कि वो आपसे ना एक किस्म की एक किस्म की वो आपसे अशोरेंस चाह रहा है अश्योरेंस चाह रहा है और अल्तजा कर रहा है आपसे कि यार प्लीज मुझे मेरे प्यारे बयान मुझे पुराने बयान थे वो याद करा करा के मुझे नजरिएल कीजिएगा मुझे लिटाना नहीं है मेरे साथ आसान गुफ्तू करें ये शेख साहब का लफ्ज है आसान रहे मुनीब साहब आसान आसान रहे मेहरबानी मैं मैं भूलूंगा नहीं ये बात आप इसे आसान अच्छा जो मुझे बस एक मेरा बस वही जो मैंने पहले कहा मेरा यकीन बस पुख्ता होगा कि यार मैंने ये साबित करना है इस इंटरव्यू से कि शेख रशीद कोई आज़ाद इंसान नहीं है और वो जिन हालात में इंटरव्यू दे रहे हैं वो सबके सामने अब वो जो चिल्ले वाली बात थी वो सबको पता थी चिल्ला और क्या होता है चिल्ला यही था कि वो बड़े घर के मेहमान थे अब चलें जी शेख रशीद साहब के लिए वो मैंने बताया मैंने लाउंज में बैठे हुए थे तो अब वहाँ से निकल कर हम दूसरी जगह पर वो जहाँ कुर्सी जहाँ वो था मैंने उसको देखा नहीं तो मैं जैसे ही एंटर हुआ तो शेख साहब मेरा साथ थे हाथ पकड़ के राशिद साहब भी थे तो हम सीधा अंदर उस कमरे में चले गए राशिद साहब अंदर बैठे हुए थे शेख साहब मैंने आपको बताया मुझे पोर्ट से रिसीव किया तो उस सामने वो लिविंग रूम जो तो लाउंज था उसमें चले गए और उसी में उन्होंने फिर बाद में खाना भी मंगवाया जब मैं बाहर निकला तो मुझे एक बहुत बड़ी मुझे हैरत हुई वो हैरत ये है कि जो शेख रशीद साहब की कुर्सी थी जिस पे वो सोफ़ा टाइप था उसके साथ एक और कुर्सी रखी हुई थी अच्छा मैं उसे देखकर थोड़ा हैरान हो गया मैंने अपनी टीम को ऐसे होता है ना कि मैं कहा यार ये क्या पड़ा हुआ है उठवा ऐसे जैसे ना कि भाई उन्होंने कहा यार उन्होंने कहा ये शेख रशीद साहब ने रखवाई हुई है मैंने एकदम जैसे होता है ना कि यार ये क्या है ये मतलब क्या है अब वो जो उस वक्त सूरत हाल बनी जैसे मैंने कहा ना कल के ब्लॉक के अंदर के शेख रशीद साहब की जो शिकंजे में लिया हुआ था किसी चीज ने उनको तो मैंने शेख साहब को देखा शेख रशीद साहब बड़े अफसोदा से मतलब इधर आ रहे थे और मैंने आपको बताया जब वो आके बैठे अभी वो ये जो तलावत उन्होंने की ये इस सारे एपिसोड के बाद की थी कि इंटरव्यू जब शुरू होने से कुछ एक मिनट पहले दो मिनट पहले तो वो जब हुआ तो उन्होंने ना खुशी से वो चाह रहे थे कि यार कोई मेरा मेरे से तो उनकी बात हो रही थी लेकिन वो चाह रहे थे कि यार कोई मामला मतलब ना वो एट ईज नहीं थे आ भी रहे थे उसकी तरफ चलते हुए भी आ रहे थे लेकिन ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल नेचुरली नहीं थे अब वो कुर्सी हटाई गई या मैंने हटवा दी ये अमानत है ये शेख रशीद साहब को पता है और शेख राशिद शफीक साहब को पता है जो वहाँ मौजूद थे और ये दोनों शख्सियात माशा हयात हैं इनको जो भी आप में से हमारे दोस्त साहफ़ी हैं जो जानते हैं दोनों शख्सियात को वो आज नहीं तो कल मिल लेंगे शेख रशीद साहब ने कल नहीं तो परसों मिल लेंगे दस्तिन में मिल लेंगे शेख राशिद साहब से मिल लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि वहाँ जो सूरत हाल बन रही थी उसमें क्या हुआ कैसे हुआ और शेख रशीद साहब की जो थोड़ी तकलीफ थी वो कैसे रफा हुई क्या हुआ शेख साहब हुआ ये नहीं कि एवेंचुअली वो कुर्सी हट गई शेख साहब जाके बैठे तो वो ना यूस्लाउच करके ऐसे तो, तो वो गद्दी ना कभी ऐसे मैंने कहा शेख साहब जैसे होता है ना पीछे मैंने कहा शेख साहब पीछे होके बैठे रिलैक्स होके बैठे रिलैक्स रिलैक्स मैंने कहा आप ठीक हैं ठीक है हाँ हाँ जी हाँ जी मैं ठीक हूँ बैठे फिर मैंने उन्हें जब मुझे लगा कि यार ये नॉर्मल ही नहीं हो रही ये मतलब थोड़ी उसमें है अभी भी मतलब मैंने शेख साहब कैसे हाथ पकड़ा मैंने का मैं कहा शेख साहब खैर होगी बैठो तुझे करने गाप मैं कहा इजी गोइंग रहेगा आराम गप शाप लगाने मुझे इतना तो कन्वेंस हो गया मैं कहा यार ये जो बंदा पहले तकलीफ में हो मैंने उसकी मैंने उसको क्यों अजियत देनी है अब वो जो कुर्स वो जो सोफा था जिस पे वो भी बैठे थे मैं थे वो बड़ा लग ऐसे रहा था वो पीछे उसके ना बड़े अच्छे कुशन से लगे हुए तो बड़ा कंफर्टेबल सा था यानी आप उसको पीछे बैठे तो वो बड़े कोजी से और बड़े सॉफ्ट से वो गदियाँ थी तो आप यू कैन यू नो लीन बैक अ अब और आप यू भी कर सकते हैं आप यूँ भी करते लेकिन शेख साहब लाइक थे तो मैंने फिर उन्होंने कहा शेख साहब थोड़ा आप पीछे सरा अपराइट होके बैठे रिलैक्स होके बैठे रिलैक्स होके बैठे शेख साहब थोड़े मुतमैन हुए अब जो वो जो हमारे कई दोस्तों ने वो निकाला कि जी ओ जी शेख रशीद के सामने कागज़ पड़े हुए थे मैंने आपको कल के भी लॉग में बताया मा बता रहा हूँ कि मेरे आने से पहले ही वो सारा ना ऐसे शेख साहब ने वो लगाया होता उसकी कुछ कुछ चीज़ें काटी हुई थी कुछ वो पेपर्स थे कुछ तो मुझे ना शेख साहब ने उस वक्त भी ना जब मैं आया तो मैंने कहा मुनीफ साहब चलिए जी मैं देखो मैं बढ़ाया जी मैं चलिए जी मैं मेरे लिए वो रेलिवेंट नहीं था वो इसलिए क्योंकि मेरे कोई भी गेस्ट अपने लिए दस हज़ार नोट्स लिखे कुछ भी लिखे हाउ डज़ इट मैटर टू मी मैं तो खुद जब गया तो मेरे पास तो कोई कागज़ भी नहीं ना रखूँगा मेरे जहन में सवाल थे कि मैंने शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू करने जाना है इस साल में इन चीज़ों में तो मेरी बुनियादी बात तो मेरे, तो मेरे जहन में थी कि यार मैंने इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना है कि वो किसी सियाहत पे नहीं गए हुए थे वो बड़े घर के मेहमान थे और मैं जितना एक जर्नल एज जे, ए जर्नलिस्ट जे, जे, मैं अगर इसको कितनी आसानी से और कितनी क्लेवरली मैं अगर ये कर पाऊंगा तो शायद ये मेरी कामयाबी हो ना कर सका तो कोई बात नहीं मैं ठीक है लेकिन वो वहाँ आए और अगर वो जो हमारे दोस्त कह रहे हैं ना वो गुलदायरे लगा लगा कि यू देखो जी शेख रशीद ने यूँ देखा और वो जी पेपर पर ओ यार अगर ये इंटरव्यू किसी ने माइक्रो मैनेज करवाना होता मतलब होता है ना पंद्रह लोग यहाँ खड़े हैं बिठाओ शेख रशीद को यहाँ बंदूक रखो ऐसे स्नाइपर लगा के कि शेख रशीद ने हिली जुली की तो गोली चला देना तो उन जो तो जितने खलीफा इस पर तज़िया कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई जिन्होंने ये माइक्रो मैनेज करना था वो चार कागज शेख रशीद के आगे से नहीं उठवा सकते थे यार आप लोगों की अकल कहाँ होती है ये कॉमन सेंसिकल बातें हैं यार वो किसी के लिए रेलिवेंट ही नहीं था शेख रशीद के बनाए हुए नोट्स वो पड़े हुए हैं वहाँ पर कोई बंदा मौजूद नहीं जिसने कहा जी इन्हों चुको मेरे लिए वो रेलिवेंट नहीं है कि शेख रशीद ने क्या लिखा हुआ है या क्या बोलना है शेख रशीद साहब ने वो खुद लिखे हैं उनको किसी ने लिखवाए हैं मुझे क्या पता भाई मेरे लिए मेरे लिए वो रेलिवेंट नहीं है मैंने तो एक जब शेख साहब के पास मैं बैठने लगा ना उधर इंटरव्यू के लिए तो मैंने एक सादा कागज़ किससे मांगा खैर कोई सादा कागज़ है आप पास तो मैंने एक पेन से ना पाँच सात पॉइंट्स लिखे लेकिन वो भी फिर मैंने कागज़ फोल्ड करके अपनी गोद में रखी रखा और आपने देखा पूरे इंटरव्यू में मैंने उसको खोला नहीं है क्योंकि मुझे जहन में याद हो गए थे कि यार मेरी चीज़ें क्या हैं मैं शेख रशीद से क्या पूछा और मुझे ये भी पता लग गया था कि शेख रशीद साहब ने जितनी मेहनत और तकलीफ से मुझे बता दिया कि जी ये ये ऐसी चीज़ें नहीं मुझसे पूछनी मैं इनके बारे में नहीं क्योंकि वो एक जो मुझे लगा ना मैंने प्रोग्राम में भी कहा कि वजादारी होती है ताल्लुक होता है ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इमरान खान फाइनेंशियल इशूज़ उनके सबका खातून अवल के मामला ही डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोस् वो बिल्कुल चाह रहे थे कि मैंने उन पे उनकी बेगम के जो पंजाब वाला मामला और पिंकी, पिंकी कह रहा हूँ फरा गोगी साहबाब उस्मान मुजदार, एस एन जमील गुजर एक सौ नबे मिलियन पाउंड तोशा खाना के तहक वो इन बारे में बात नहीं करना चाहते थे ना ही वो इस बारे में बात करना चाहते थे कि यार मैं को बोता उनसे ना फौज के ऊपर उन्होंने पुष्कूँ जी कि चलिए आप तो बड़े उन्होंने जो उनको दिल को लगती थी वो कह रहे थे जी मैं तो पीठता रहा कि इमरान खान मेरी बात मान लें लेकिन इमरान खान ने मेरी बात नहीं मानी वो बार बार एक ही बात कह रहे थे नौ मई उसके गिरद वो पहले उस पर एवेसिव थे मुझे उन पर वो जोर इसलिए डालना पड़ा कि यार अगर मैं मैंने अगर मैं कुछ भी नहीं चलो इमरान खान की ये तो पब्लिक चीज़ें हैं ना चलो जी वो उसके इमरान खान की उससे ज़ात या उनकी खुदा उनकी बेगम नहीं वो उसमें आ रही लेकिन ये जो डर्टी हैरी ये जो था मीर जाफर मीर सदक फिर जो पिछले साल आर्मी चीफ के खिलाफ अपॉइंटमेंट से पहले साजिश ये तो सबको पता है सारी चीज़ों को पता है इस पर या तो शेख रशीद कहते और मैंने प्रोग्राम से पहले भी कहा मैंने प्रोग्राम में भी कहा शेख साहब आपने जवाब ना दीजिए आपको मेरा कुछ सवाल अगर आपको लगे कि मैंने आपकी रिक्वेस्ट के बावजूद अगर कोई ऐसा सवाल हो गया जिसको आप नहीं बोलना चाहते तो आप खामोश हो जाएगा मैं आपको तंग नहीं करूँगा आपकी खामोशी काफ़ी होगी इस बात के गवाह भी शेख रशीद अहमद साहब मौजूद है और शेख राशिद शफीक साहब मौजूद है अरे भाई ये प्रोग्राम हो गया रिकॉर्ड कर लिया जैसे ही रिकॉर्ड हुआ रिकॉर्ड करके शेख साहब कहते हैं चलो जी अल्लाह का शुक्र है फिर भी ना प्रोग्राम में जैसे रिकॉर्ड हुआ ना तो शेख साहब ने उसके बाद में जब मुझे हाथ मिला तो होता नहीं ना कि यार कोई इसमें कोई है तो मेरा ख्याल रखिएगा मैंने कहा शेख साहब रिकॉर्ड हो गए हैं इसी तरह ऑन एयर हो जाना है मैंने कहा ये मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आपने कहा इसमें से एक हर्फ भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो निकलना ही नहीं है ये मेरी मुझे मेरी मुझे 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 मैनेजमेंट की एश्योरेंस एश्योरेंस थी थी और मुझे हर जगह से थी। मुझे किसी बंदे ने मैं हलफन कह रहा हूं मुझे नहीं कहा किसी एक शख्स ने कि ये सवाल करना है और ये सवाल नहीं करना जो कुछ था वो मैंने खुद ही करना था और अल्लाह का करम है एज ए जर्नलिस्ट मेरा जमीर मुतमिन है कि मैंने शेख रशीद के साथ कोई जुल्म ज्यादा इसलिए नहीं की एक शख्स ने मेरे सामने मुझे खुद कहा कि मैं इन चीज़ों के बारे में मैं मुझे ना लेटाइएगा मुझे बस मुझे 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 जलील नहीं करना मैं बार बार ये बात क्यों कहता हूँ कि एक शेख रशीद साहब ने मुझे कुछ पंद्रह सौ दफ़ा ये बात कही तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग इसको देखेंगे मुख्तलिफे अच्छा अब एक चीज़ जो मैं जाते जाते आपको बता दूँ और मैं आपको ये भी बताऊँ कि उसके इंटरव्यू के बाद जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व की शेख रशीद ना उसके बाद ऐसे एक जैसे एक होता है ना एक बच्चा नहीं होता कि अच्छा मैंने स्कूल में काम कर लिया तो अब मुझे छुट्टी चाहिए अब काम कर लिया तो मुझे छुट्टी चाहिए मैंने जाना है मैंने जाना है मैंने मैंने, मैंने। जैसे वो वो भाई वो अपने घर में थे लेकिन मुझे ये एहसास क्यों हुआ कि जैसे ना वो शेख राशिद साहब को करे हन हसी फारक है ना हन फारग फ़ारक ना मतलब मतलब असी फारग मतलब ये कि भाई हाँ ये इंटरव्यू जो था ये भी बड़ी अजीब सी एन्वायरमेंट थी और ये सब कुछ बड़ा वो था कि मुझे लगा कि अभी शेख रशीद साहब जो हैं वो अभी भी दबाव शाओ के अंदर है तो शेख रशीद साहब की बातों से मुझे लगा कि यार जैसे किसी स्कूल से किसी बच्चे को छुट्टी होती है ना तो शेख रशीद साहब छुट्टी का इंतजार कर रहे हैं कि बस मेरी छुट्टी हो रही है ये बात उन्होंने इंटरव्यू में भी कही है कि हाँ जी बस रवायत बन गई है मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है तो बस वो यही था कि वो राशिद साहब को भी ये देख रहे थे कि जी मेरी छुट्टी हो हमारी हम फारग हों यहाँ से और हम निकले चले वो हो गया और कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ है कुछ हमारे साफ़ी जो दोस्त हैं कि जी मैं बड़ी उधर ना यूं करके बैठा हूँ यार मैंने आपको पहले बताया मैं बैठा और मैं शेख रशीद साहब के साथ बड़ी ही जिसे कहते हैं ना उन उनको उनके साथ एक वो बड़ी सॉफ्ट गुफगु मैंने उनसे शुरू की इस्टेब्लिश किया उनको उनके लिए माहौल आसान किया कि भाई दुनिया को ये पता चले कि शेख रशीद बड़े घर के मेहमान थे और क्यों थे अब जो शेख रशीद के निदामत है वो निदामत उनकी अपने अंदर है कि भाई मैं तो इनके साथ था अपनी फ़ौज के साथ तो जो शख्स फ़ौज की ऐसी तैसी फेर गया आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ साजिश कर गया नौ मई करवा गया उस शख्स से मैं दूर क्यों नहीं हुआ टाइम पर शेख रशीद साहब इस बात को रिजेक्ट इस पर पछतावा उनके अंदर पहले भी था इंटरव्यू के अंदर भी था इंटरव्यू के बाद भी था कि जी इस वजह से हमारी हर चीज़ लगी लिपटी होगी ये लोग जो थे इन्होंने हमें मरवा दिया इन लोगों ने मरवा दिया जिनके नाम उन्होंने लिए ये जितने भी मेरा प्रॉबली ज़्यादा गैर सियासी लोग थे जो इमरान खान के साथ थे जिनको कन्वेंशनल सियासतदान नहीं थे जी इन्होंने इन मरवा दिया इन्होंने मरवा दिया इन्होंने मरवा दिया जिनका नाम अब शहजाद अकबर का नाम उन्होंने नहीं लिया पूरे इंटरव्यू में तो मैंने मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं कहा दिया कि नहीं जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया वो सबके नाम उन्होंने जाहिर है कि ये ये लोग थे अब इस बात के जो शेख रशीद को नदामत है या गिला है वो तो अब उनका गिला इस्टैब्लिशमेंट के साथ है या इस्टबलिशमेंट को जो उनके साथ गिला था वो तो वक्त के साथ साथ होगा धुलेगा उसमें मुझे क्या पता है वो किस हद तक कामयाब हुए किस हद तक नहीं हुए तो ये सारी रुदात है जी तो मुझे जो लोग कह रहे थी मैं अभी बैठा हुआ था किसी को तक अरे भाई कल जब वक्त इन शब्दी होगा आप सब अपने अपने घरों में वापस आएंगे जितने भी लोग हैं अगर तरीक़े था आपके तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी आपसे इंटरव्यू करूंगा और अगर आपके घर में इतनी कंफर्टेबल कुर्सी होगी तो वहाँ पर भी मैं बैठ के यूं ही करूंगा मैं यूं ही करूंगा या मैं यूं ही करूंगा इससे आप पता नहीं किसी को क्या तकलीफ हो गई अगर हो गई तो फ्रेंकली आई डोंट रियली केयर बट मैं आपको बता रहा हूँ कुर्सी पर कोई भी बैठेगा तो यूं करके नहीं बैठेगा वो यूं ही बैठेगा और यूं करके बैठेगा और यूं करके बैठेगा जस्ट टू हैव अ यू नो एट ईज कॉन्वर्सेशन विद विध समी कोई जॉब इंटरव्यू नहीं था ना शेख रशीद अहमद का ना मेरा और शेख साहब इस बात के गवाह जब मैंने कहा शेख साहब पीछे आराम से बैठे आराम से बैठे रिलैक्स होके बैठे बाकी किस जिसने जो मर्जी कहना है कहता था मैंने ये तमाम रुदाद आपके सामने रखी कि जब मैं निकला फिर जैसे ही वो शेख रशीद साहब हुआ तो शेख साहब ने फिर राशिद साहब हुआ कहिए शेख साहब ने मेरा शुक्रिया दोबारा अदा किया राशि साहब आए मेरे साथ पोर्च तक आए तो उन्होंने कहा जी राशद साहब ने मुनीब साहब की गाड़ी मैंने कह रही मैं मैं कह रही मैं खुद चला रहा हूँ मेरे पास ड्राइवर नहीं है तो शेख साहब राशिद साहब मुझे मिले और बहसीत जो जो एक इंसान जैसे कोई कोई कि, कि, किसी का खैर ख्वाह किसी तो से मिलता है तो राशिद साहब से हालांकि मेरी ज़िंदगी में पहली मुलाकात थी लेकिन मुझे लगा कि उनको मेरी कोई बात या जो मेरा सारा कंडक्ट था उसमें वो खुशी थे मुतमैनी थे और एक साय ऑफ रिलीफ थी उनके अंदर कि यार मेरी ज़िंदगी या आज जो हमारे लिए थी कुछ सेविंग ग्रेस हमें मिल गई हाँ वो ये बात राशिद साहब को भी पता थी कि हमसे गलती हुई है यानी उनसे गलती हुई है और शेख रशीद साहब से कि उन्होंने जब इमरान ख़ान साहब ने फौज के साथ ये शुरू किया तो वो टाइम पर अलीहदा नहीं हुए और वो नौ मई वाले वाक्य के बाद भी अलीहदा नहीं हुए इस बात की निदामत राशिद साहब को भी थी और शेख साहब को भी थी ये व्लाग आपने देखा जी ये पार्ट टू था इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा इन आगे मुलाकात होगी आपसे